Audio Jungle. वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीएल व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। गाइस आज का व्लॉग आपको थंबनेल देखकर तो पता चल ही चुका होगा, साथ ही साथ मेरी खुशी देखकर आपको पता चल रहा होगा आज का व्लॉग होने वाला है फुल ऑन शोइंग व्हाट आई एम शॉपिंग। जी हाँ, आज मैं जितना मैंने अभी शॉप किया था, मैंने इस वीक कह सकते हैं आप, मैंने बहुत शॉपिंग की, दबा के शॉपिंग की है। गाइस क्यों की है वो आपको मेरे प्रीवियस व्लॉग में तो पता चल ही चुका होगा। रिसेंटली आई एम जॉइनिंग अ जॉब। जी हाँ, बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, सो मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी पड़ी है। 2 साल बाद स्कूल खुले हैं तो स्कूल में की ड्रेस कोड अलग होती है, स्कूल की चीज़ें अलग होती है, सो उसके लिए मेरे को बहुत सारी शॉपिंग करनी थी और मैंने वो शॉपिंग कर ली। कुछ यहाँ से, कुछ जयपुर से, कुछ दिल्ली से, कुछ अलग अलग मार्केट से मैंने शॉपिंग की है। सो लेट गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। मैं आपको शो करती हूँ मैंने क्या क्या शॉप किया है। सो चलो गाइज लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइज मैं गई हुई थी मार्केट मम्मा के साथ की, अपने फियोंसे के साथ गई थी तब की, अपनी सिस्टर के साथ पालिका गई थी लास्ट टाइम तब की, ये मिक्सअप करके तो मैंने सोचा मैं सबका आपको एक ही बार अपना सारा मतलब दिखा दूँ मैं क्या क्या परचेज करके लाई थी। कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो मैंने परचेज किए, मैंने खोल भी लिए थे बट मैं आपको दिखाऊंगी। सो गाइज सबसे पहले मैं गई थी कॉप के शोरूम गई थी। गाइज मैं कॉप के शोरूम गई थी, कॉप की मॉल गई थी, तो मैंने वहाँ से ये वाली शर्ट परचेज़ की थी एंड द प्राइस इज़ अप्रॉक्स 14.99 बट मुझे डिस्काउंट में 12.99 कुछ की पड़ी है। मैंने ये वाली शर्ट परचेज़ की थी एंड इसके ही मैचिंग ही मैंने जैगिंग जीन्स कह सकते हैं, मैंने वो परचेज़ की थी कॉप से ही। सो गाइज जहाँ पे मैं वर्क करती हूँ नाउ आर डेज वहाँ पे फॉर्मल्स अलाउ है, तो मैंने सोचा था थोड़ी सी फॉर्मल की शॉपिंग करूँ बट कॉब इज़ द मच गुड ब्रांड आई थिंक, दैट्स वाई मैंने कॉब का स्टफ अच्छा निकलता है तो मैंने कॉब से शॉपिंग की थी। तो एक तो ये लाई थी मैं, साथ ही साथ मैं अगेन कॉब से ही लाई थी ये वाली शर्ट। अगेन दिस शर्ट प्राइस इज 13.99 बट मुझे शायद ये 1200 के अप्रॉक्स पड़ी थी। दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्मर शर्ट एंड द कलर इज सो प्रीटी ना आई जस्ट। मैं ये भी कॉप से लाई थी बट ये मैंने उसी समय खोल के मैंने वियर कर ली थी जब आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा, तब मैं ये स्कूल पहन के गई थी। सो ये वाली भी मैं यहीं से कॉप से लाई थी और ये वाला कलर इज टू गुड, मुझे कलर बहुत प्यारा लगा था इसलिए मैंने ये परचेज कर ली। आफ्टर दैट गाइस दिस इज़ द कुर्ती विच आई थिंक सो आई कैन परचेज, और पता नहीं ब्रांड ने मुझे दी थी, मुझे अभी तक याद नहीं है। दिस इज़ द कुर्ती, बहुत अच्छी कुर्ती है। लास्ट एक येलो कलर की कुर्ती वियर की हुई है, वो भी कुछ इस तरह की है, नाइस कुर्ती है गाइस। एक ये इसमें कलर है, साथ ही साथ द डिफरेंट कलर इज दिस इज द अदर कलर, वाइट के साथ ही अच्छी लगेगी तो मैंने सोचा यार ये वाली भी ले लेती हूँ। आफ्टर दैट गाइज दिस इज ऑल्सो कुर्ती स्टाइल है, ट्रांसपेरेंट कुर्ती एंड मैक्सी ड्रेस टाइप आप कह सकते हैं। दिस इज द मैरून शेड, सी द फैब्रिक इज गुड, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी ना शाइनिंग वाली लेस लगी हुई है। तो एक ये है गाइस जो मैंने परचेज की, मैंने आपको बोला ना मैंने इस बार बहुत शॉपिंग की है। आफ्टर दैट गाइस मैंने शॉपिंग की है दिस इज हैंकी एंड ये मेरे को मम्मा भी जयपुर गई थी तो मेरी सिस्टर ने वहाँ से भिजवाए थे, मम्मा लेकर आई थी। दिस इज द पैक ऑफ हैंकीज बिकॉज स्कूल में चाहिए होते हैं। आफ्टर दैट मैं लेकर आई थी ग्लव्स बिकॉज बाहर तो इतना ज़्यादा मतलब समर चल रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं नहीं चाहती मुझे कोई भी टैनिंग का इशू हो, तो डैट्स वाई ग्लव्स इज मोर इम्पॉर्टेंट। आफ्टर दैट अगेन द सॉक्स, मम्मा सॉक्स भी लेकर आई थी, मैं सॉक्स भी लेकर आई थी स्किन कलर की बिकॉज सन प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, सिर्फ SPF से तो काम चलने वाला नहीं है। आफ्टर दैट गाइज वन ऑफ माई फेवरेट, जी हाँ अभी जो मैंने आपको दिखाया है स्टार्टिंग की वीडियो में, दिस इज LV's पर्स। जी हाँ मेरे को स्कूलिंग के लिए एक पर्स चाहिए था, दिस इज LV's ब्रांड पर्स, लुइस विलियम पर्स एंड लेट मी शो यू, आई जस्ट लव इट, द स्पेस इज टू गुड। ये मैं न्यू पर्स लेकर आई हूँ अपने स्कूल के लिए बिकॉज इतनी सारी डायरी, इतना सारा वर्क हो जाता है टीचर्स के लिए, तो मुझे एक अच्छा सा पर्स लिया था तो मैंने सोचा चलो इस बार LV का पर्स लिया जाए, तो मैं LV का लाई हूँ गाइज। द स्पेस इज़
टू ऑसम, बहुत अच्छी स्पेस है, बहुत अच्छी है। इसके अंदर भी जिप्स आप देख सकते हैं दी हुई है, साथ ही साथ इसको कैरी करने की बेल्ट भी आपको अलग दी। अगर आप इसको लॉन्ग बैग बनाना पसंद करते हैं आप, अगर आप चाहते कड़े वाला ना हो। आफ्टर गाइज आपको बैक साइड पे भी एक जिप दी हुई है एलवी की। आफ्टर गाइज आप देख सकते हैं इसमें 3 पार्टीशन दिए हुए हैं एंड दिस इज अ पर्स। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, बाय कलर भी अच्छा लगा। इसमें एक आई थिंक सो ब्लू कलर था बट ठीक है। इसका प्राइस अगर आप पूछेंगे तो आई थिंक सो 2500 अराउंड था, बट मुझे इट फ्रॉम आई परचेज इट 1950 rupees फ्रॉम एलवी। सो दिस इज नॉइस विलियम्स पर्स। आफ्टर दैट गाइस और भी सामान है जो मेरी सिस्टर ने जयपुर से भेजे। तो ये है गाइस कुछ रोज़ वाटर्स हैं जो मेरे मम्मा मतलब मेरी सिस्टर ने मेरे लिए जयपुर से भेजे हैं। दिस इज़ द रोज़ वाटर, बिकॉज मुझे रोज़ वाटर बहुत चाहिए होता है, टोनर में लगाते हूँ। मुझे ये वाले ज़्यादा पसंद आते हैं, गुलाब जल वाले, वैदिक केयर के, वैदिक रत्ना के, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गाइस। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किए मस्ट ट्राई एटलीस्ट वंस, मुझे बहुत अच्छे होते हैं, रीजनेबल भी होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर वाइब्स लेकर आए थे मेरे सिस्टर ने, 25 वाइप्स का एक पैकेट मेरे लिए सेंड करवाया था। आफ्टर डैट दिस इज एंगेज्ड डियो जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को बहुत पसंद है, फ्रेग्रेंस अच्छी अच्छी आनी चाहिए ना यार। आफ्टर डैट दिस इज स्विस ब्यूटी कलर स्प्लैश नेल पॉलिश एंड द कलर इज टू गुड। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा कलर है ये गाइस। सो कुछ यही सामान था जो मैंने परचेज, मैंने इतना परचेज किया वाला, ये वाला तो सारा मम्मा और मेरी सिस्टर ने जयपुर से भिजवाया है मेरे लिए, बिकॉज उन्हें भी था थोड़ा सा ध्यान रखा जाए मेरा। तो गाइज यही था आज का वीडियो, मैंने आपको दिखाया कि मेरी सिस्टर्स ने मेरे लिए क्या क्या भिजवाया, मैंने क्या क्या शॉपिंग की। नाउ डेज मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रही थी बट फाइनली मेरी शॉपिंग कम्प्लीट हो चुकी है। अब मुझे फिलहाल अभी तो कुछ भी नहीं लेना, अब देखते हैं आगे शॉपिंग होगी तो मैं आपके साथ जरूर व्लॉग ही शेयर करूँगी शॉपिंग का, अभी तो इतना नहीं कर पाई। बट हाँ मैंने पालिका का थोड़े पॉइंट्स शेयर किए थे आपके साथ, थोड़ा सामान वहाँ से लिया, थोड़ा मैंने अपने नियर बाय मार्केट से लिया, थोड़ा सा जयपुर से सिस्टर ने भिजवाया, थोड़ा सा फ्योंसे के साथ गई थी मॉल तो वहाँ से कॉप के सामान लेकर आई। तो मिक्सअप होके मेरा ये सारा सामान मैं लेकर आई थी, और भी शर्ट्स लाई थी वो मैंने आपको भी दिखाई वीडियो में। सो गाइज यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो, आपको जो भी है यार मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करती हूँ, डेट्स वाई। अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो, मेरे ब्लॉग्स, मेरी मतलब चैलेंजिंग वीडियो, मेरी मेकअप वीडियोस अगर आपको पसंद आती है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। एंड आपको कोई भी इश्यू हो, आपको कोई भी आप मेरी वीडियोज़ देखना पसंद करना चाहते हैं, आप किस टाइप की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नोइंग इन द कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर ट्राई करूँगी उसके रिगार्डिंग वीडियोज़ बनाने के लिए। सो मैं मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।